या 20,000 रुपये की? 20,000 रुपये के? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये जी भाई, इसके बारे में बताएं। ये गोल्डन बफ है जी। अच्छा, क्या प्राइस है? ये सेट है 18,000 रुपये का, अभी प्रेजेंट है। अच्छा, क्या प्राइस है इसके? रेड आइज इंग्लिश अंगोरा है ये। रेड आइज इंग्लिश अंगोरा जी। ये ब्लैक लका है जी। जनाब, एक गोल्डन फीजेंट के बारे में बताएं जी। ये रेड ये हमारे पास तो नहीं दिए ना, जो हमारे पास देगी। ये वैसे तो 3-4 मेल है मेरे पास वाइट। ये जोड़ा 25,000 रुपये का है, पले हुए मोर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप लोग देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान जहाज़ जमशेद। आइए प्रोग्राम को शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। देखने वाले हमारे तमाम व्यूअर्स को दिल की गहराइयों से आदाब और रिस्पेक्ट। व्यूअर्स, आप लोग को लेकर आए हैं एग्जॉटिक बर्ड्स मार्केट में, इंप्रेसिव बिल्डिंग के नीचे जो एग्जॉटिक मार्केट है। यहाँ पर इंशाल्लाह आपको विजिट करवाएंगे, देखेंगे आज एग्जॉटिक बर्ड्स मार्केट में यहाँ पर कौन कौन से नया बर्ड्स मौजूद हैं, उनकी प्राइस से आपको अपडेट करेंगे। आइए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, इस वक्त हम लोग हैन एंड रूस्टर की शॉप पर हैं। यहाँ पर डिफरेंट हैन एंड रूस्टर की वैरायटी आती है। कोशिश ये होती है कि आप लोगों को मुनासिब कीमत मिले। यहाँ पे देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या प्राइस देते हैं और जो कमी पेशी हो सके ये करवाएंगे। यहाँ पर हमें मुख्तलिफ बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, ग्राउंड बर्ड्स हैं, इसके अलावा कनेरी हैं। यहाँ पर छोटे बर्ड्स की वैरायटीज इनके पास मौजूद हैं, कॉकटेल, ऑस्ट्रेलियन, फिशर, फिंचेस, इसके अलावा पिजन में भी अगर उन्होंने पोर्शन बनाया हुआ है। तो आइए इस शॉप को विजिट करेंगे, आज दिखाएंगे आप लोग को यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, उनके प्राइस से आपको अपडेट करेंगे। तो व्यूअर्स, एक बात आप लोगों के साथ क्लियर करनी है, हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग आँख बंद करके ख़रीदारी करें। नहीं, आप लोग आएँ मार्केट में, विजिट करें, बर्ड को अच्छी तरीके से चेक करें ताकि इससे आपको भी तजर्बा मिले और इसके बाद आप लोग देख के बर्ड को परचेज़ करें। और इसके अलावा एक मैसेज और शेयर करना चाहता हूँ तमाम लोगों के साथ, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं तो अपने अपने बर्ड्स को अच्छी तरीके से कवर करें। और आज की जो शबनम वाली हवा है वो बर्ड्स के लिए अच्छी नहीं है, बहुत सारे बर्ड्स को ठंड लग जाती है। आजकल ज़्यादातर बर्ड्स के अंदर फ्लू चला है, तो फ्लू से अपने बर्ड्स को महफूज करें। तो आइए अब शॉप पर नज़र डालते हैं, शॉप में देखते हैं कि क्या क्या मटेरियल मौजूद है। तो व्यूअर्स, इस वक्त हम लोग पाशा खान साहब की शॉप में मौजूद हैं। यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से बर्ड्स मौजूद हैं। यहाँ पे एक डीलर उनके हमारे पास मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। अच्छा, आप ही डीलिंग कर रहे होते हैं यहाँ पे? सुना है बहुत महंगे महंगे बर्ड्स बेच रहे हैं आजकल आप। महंगे तो नहीं होते, वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो महंगा लगता है, क्योंकि दाना महंगा हो गया, हर किराए आना जाना हर चीज़ का हिसाब किताब हो। अच्छा, कौन कौन से बर्ड्स हैं दिखा दें व्यूअर्स को? काफ़ी बर्ड्स हैं, आप देखें ज़रा एक एक चीज़ में आपको बता। सबसे पहले सरप्राइज से शुरू करते हैं, गोल्डन सरप्राइज के बारे में बताएं। जी जनाब, सबसे पहले गोल्डन सरप्राइज के बारे में बताएं, क्या प्राइस है? ये जोड़ा है गोल्डन सरप्राइज का 5,000 रुपये का। ये अंडे दे रहे हैं, पेयर है पूरा, अंडे देता हुआ पेयर है जी। और अगर अंडे नहीं दिए इसने? अंडे नहीं दिए वापस, अंडों की हमारी गारंटी है, गारंटी देंगे। अच्छा, ये बताएं कि महीने में कितने अंडे देता है? ये कभी गिनती नहीं की है, लेकिन जो अब पिंजरे में देते हैं हम लोग तो उठा लेते हैं, रख देते हैं, गिनते नहीं है। ये बताएं क्या प्राइस है पेयर की? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये, ठीक है। और फाइनल कितने में देना? फाइनल 4,500 रुपये, ठीक है। यानी 4 तक हो ही जाएगा कमी पेशी कराते हुए, देखेंगे अल्लाह ने चाहा तो कोशिश करेंगे। जी जनाब, ये सिल्की के बारे में बताएं। ये ब्लू सिल्की है। ब्लू सिल्की है? हाँ जी। ब्लू कलर कहाँ है इसमें? ब्लू, ये इसको ब्लू ही कहते हैं, ग्रे टाइप का कलर होता है, ग्रे टाइप का कलर होता है इसको ब्लू कहते हैं। अच्छा, क्या प्राइस है इसकी? ये पेयर है 8,000 रुपये का। 8,000 रुपये का पेयर है। अभी कम उम्र है इनके, अंडे नहीं दे रहे, थोड़ा तकरीबन 2 महीने इनको लगेंगे अंडों पे आने। 2 महीने बाद अंडे देंगे जी। अच्छा, ये बताएं क्रॉस तो नहीं है? नहीं नहीं, क्रॉस नहीं है, ये एक नस्ल है, ये ऐसी आती है जी। ऐसी आती है? हाँ। ये आप चले ठीक है जी। भाई, इसके बारे में बताएं। ये गोल्डन बफ है जी। गोल्डन बफ है जी। क्या प्राइस है? ये पेयर है 7,000 रुपये का। 7,000 का पेयर है? हाँ, बड़ा पेयर है, अंडे देता हुआ ये। बड़ा तो है लेकिन प्राइस 7,000 रुपये का क्यों? ये इसमें अलग अलग छोटे साइज के होते हैं, वो थोड़े सस्ते होते हैं। ये माशाल्लाह इसका कद देखो, ये ज़रा अलग, इनमें 3-4 किस्में आती है, कोई छोटे साइज का होता है, कोई कम बाल का होता है, तो उनके रेट में फ़र्क आता है। बाल होते हैं ना? हाँ, पैरों में बाल होते हैं। पैरों में बाल होते हैं, पर नहीं होता? नहीं, बाल होते हैं, बाल बोलते हैं। अच्छा, ये बताएं देंगे कितने का फाइनल? फाइनल ये 6,000 रुपये का दे देंगे। 6,000 में देंगे? अच्छा, 4-4.5 में नहीं देंगे? नहीं, 4 का, वो दूसरे होते हैं छोटे कद वाले होते हैं, वो दे देते हैं 4-4.5-3 का जोड़ा। जी भाई, सिल्की के बारे में बताएं। ये वाइट सिल्की का जोड़ा है ये। अच्छा, क्या प्राइस है इनकी? ये 8,000 रुपये का है, अंडे देता हुआ जोड़ा है, बड़ा जोड़ा है, अंडे देता हुआ जोड़ा है जी। ठीक है, तो उम्र कितनी है इसकी? ये तकरीबन 7-8 महीने का है। अच्छा, फाइनल कितने में देंगे? फाइनल ये 7,000 रुपये। जी जनाब, सिल्वर सेपराइट के बारे में बताएं। ये सिल्वर सेपराइट का जोड़ा है ये, बड़ा प्यार है, अंडे देता हुआ। अच्छा, क्रॉस है प्योर है क्या ये? इसका तो कलर ही नहीं आ रहा। ये मेल क्रॉस है, फीमेल प्योर है।
मेल क्रॉस है, फीमेल पेयर है जी। अच्छा तो क्रॉस ब्रीड के क्या प्राइस है? ये 6000 रुपए का पेयर है। क्रॉस ब्रीड भी 6000 रुपए की? ये नस्ल है ना, ये बहुत कम आते हैं इस तरह के। तो खराब हो गई ना, क्रॉस हो गया? नहीं, ये तो गिर जाते क्रॉस होने के बाद। खूबसूरती ज्यादा होती है इसमें, खूबसूरती ज्यादा होती है। ये तो लोग खुद बनाते हैं, क्रॉस खुद करवाते हैं इस तरह के खूबसूरत बनाने के लिए। यानी 3000 रुपए में चला जाएगा क्रॉस ब्रीड? हाँ तकरीबन 3000 में जोड़ा दे देंगे जी। जी जनाब, पॉलिश के बारे में बताएं। ये सिल्वर पॉलिश का जोड़ा है, ये मेल फीमेल है, पॉलिश का जोड़ा है। क्या प्राइस है इसकी? ये 10000 रुपए का जोड़ा है। 10000 रुपए की जोड़ी है। और फाइनल कितने में देंगे? फाइनल ये 8000 रुपए का। अच्छा, एगलिंग कर रहे हैं? नहीं, अभी तकरीबन 1.5 से 2 महीने इसको लगेंगे। ये अभी तकरीबन 5 महीने का जोड़ा है। जी जनाब, इसके बारे में बताएं। ये बेंडम का जोड़ा है, ये फीमेल अलग नस्ल की है, मेल अलग नस्ल का है जोड़ा, ये हमने बनाया हुआ मेल फीमेल बना। अलग अलग नस्लों को आप इकट्ठा करेंगे क्या, कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहा? नहीं, इसमें से फिर जो नस्ल आएगी तो वो देखेंगे, तजुर्बा करेंगे क्या आती है। नहीं, दोनों को मिला के जब नस्ल आएगी तो फिर वो तो सस्ती होगी, क्रॉस ब्रीड होगी। नहीं, वो हो सकता है कोई नायाब निकल जाए तो महंगी भी हो सकती है। लाजमी नायाब निकल जाएगी इसमें, हो सकता है, नसीब का खेल है। ये जोड़ा कितने का देना? ये जोड़ा 6000 रुपये का। 6000 रुपये का। तो फाइनल कितने तक में देंगे? फाइनल ये 5000 रुपये तक। 3-3.5-4 में दे देंगे आप? नहीं, 5000 रुपये। जी जनाब, इनके बारे में बताएं। ये बरामा है लाइट टू सेक्स, ये 2 फीमेल है 1 मेल है, सेट है ये। अच्छा, क्या प्राइस है? ये सेट है 18000 रुपये का। अभी ये बच्चे हैं, मतलब कम उम्र के, इनके अभी वो कीले भी नहीं निकली हैं पैरों में, छोटी छोटी सी कीले, और इनका साइज़ बढ़ेगा। अच्छा, इनके अंदर कीले भी होती हैं? पैरों में कांटे जो होते हैं, कांटे होते हैं, कीले होती हैं, कीले कीले होते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताएं, सेट कितने का देंगे फाइनल? सेट ये 15000 रुपये का फाइनल देंगे, 18000 रुपये का। 2 मादी है इसके साथ, 2 फीमेल 1 मेल, और इनके साथ कीले भी हैं। हाँ, कीले तो नर के साथ होती है, सबके साथ नहीं। फाइनल बताएं। फाइनल 15000 रुपये का, 2 फीमेल 1 मेल। यानी 10000 रुपये में दे देंगे? नहीं, 12000 में? नहीं, 15000 रुपये। यानी 13000 में दे देगा व्यूअर्स को? कोई आपके हवाले से कोई आएगा तो करेंगे कोशिश, बाकी वैसे तो दुकान में हम 15000 से कम नहीं देते। तो व्यूअर्स, अब देखते हैं, यहाँ पे मोर भी आए हुए हैं, सफ़ेद मोर, तो इनके बारे में मालूम कर लेते, क्या प्राइस चले? जी जनाब, इनकी प्राइस बताएं। ये जोड़ा 25000 रुपये का है, पले हुए मोर है, हमारी अपनी फार्मिंग होती है ये, उसके मोर है। अच्छा ये बताएं, इनकी उम्र कितनी है? ये उम्र इनकी तकरीबन है 2 साल के लगभग है। तैयार कब तक हो जाएंगे ये? 2.5 साल के बाद ब्रीडिंग के लिए तैयार होते हैं, 2.5 साल की उम्र में ना। तो ये ट्रायो सेट आप सेल कर रहे हैं या फिर जोड़ा? ये जोड़ा है, ट्रायो बोल कोई मांगेगा ट्रायो सेट बना के दे देंगे, 2 फीमेल। जोड़े के रेट बताएं, ट्रायो के रेट बताएं। जोड़ा हम वैसे तो यहाँ 25 का बेचते हैं, लेकिन आपके हवाले से कोई आएगा ट्रायो दे देंगे 25 का। 25 का ट्रायो दे देंगे जी। ये माशाल्लाह सारे पले हुए होते हैं, सारे पले हुए हैं। हाँ, ये सब आग से दाना खाते हुए। ठीक है, अच्छा इनके बारे में बताएं। जी ये ब्लू शोल्डर है, ये दोनों मेल है, एक पाइट का मेल है इसमें, एक ब्लू शोल्डर का है। अच्छा जी, क्या प्राइस है इनकी? इसका जोड़ा जो होता है वो मिलेगा आपको 15000 रुपये का, एक मेल एक फीमेल। ट्रायो मिलेगा 22000 रुपये का, 2 फीमेल 1 मेल। क्या कमी पेशी करेंगे इसमें आप? ये 20000 रुपये का फाइनल ट्रायो होगा, और जोड़ा तो 15000 का, जोड़े में तो कुछ भी गुंजाइश नहीं। सफ़ेद वाले का बताएं, ये कितने का देंगे फाइनल? ये 25 का आपके हवाले से, आप बता रहे हैं उसके लिए, ये तो आप बता रहे हैं 25। वैसे तो हम जोड़ा बेचते हैं 25, 20-22 में ट्रायो दे देगा आप? चले देखेंगे, कोशिश करेंगे जो आएगा। अच्छा, इसके अलावा ये जो डक्स हैं इनके बारे में बताएं। ये तो राजन से हमारी जो पाकिस्तानी है, ये जोड़ा 5000 रुपये का है। 5000 रुपये का? हाँ ठीक है, कुछ कमी पेशी इसमें? ये हम 4000 रुपये तक दे देंगे जोड़ा। जी जनाब, इसके बारे में बताएं, यहाँ पे जो डक्स हैं। ये ताज वाली बतख की फीमेल है इसमें, और खाकी का मेल है, ये जोड़ा है। जोड़ा है ये? हाँ जी, 6000 रुपये का। 6000 रुपये का ये? अच्छा जी, तो ये फुल बड़ा एगलिंग वगैरह कर रहा है? ये अभी तक तो अंडे नहीं दिए हमारे पास, तो नहीं दिए ना, जो हमारे पास देगी तो हम उसका आपको बोलेंगे कि ये हमारे पास अंडे दे रही। अच्छा, लेकिन अंडे तो फाइनल कितने का देंगे जोड़ा? ये फाइनल 5000 रुपये का दे देंगे। अच्छा ये बताएं, इसके साथ जो बच्चे आएंगे वो ताज वाले आएंगे बगैर ताज वाले? कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि फीमेल ताज वाली है, मेल ताज वाला नहीं है। ताज वाले भी आ सकते हैं, बगैर ताज वाले भी आ सकते हैं। जी जनाब, इसके बारे में बताएं। भाई इसको हम लोग तो बोलते हैं हरी बत्तख होती है, पूरे शेड होता है इसमें हरा, वैसे तो ब्लैक कलर है इसका, जो शेड होता है ना वो ग्रीन होता है ऊपर। अच्छा शेड ग्रीन है, वैसे ब्लैक कलर है? हाँ वैसे ब्लैक है, जो शेड इसका पड़ता है ग्रीन कलर है। अच्छा कितने की देना, कौन सी नस्ल है?
इसको ग्रीन बतख ही कहते हैं हम लोग, परिंदे वाले तकरीबन सब ग्रीन बतख के नाम से जानते हैं। और अगर किसी ने काली बतख दी मांगी तो क्या करेंगे आप? वो काली भी होती है, वो जो मस्कबी डग होती है उसको, उसमें काली भी होती है। अच्छा, इसकी प्राइस बताएं, इसकी प्राइस क्या है? ये 20,000 रुपये की है। 20,000 रुपये की जोड़ी, एक पीस, एक पीस 20,000 रुपये का। ये पेयर होता तो कम से कम 60,000 रुपये का। पेयर 60,000 रुपये का। बाहर से आती है, पाकिस्तानी नहीं है। इसमें रिंग कहाँ डाला हुआ है बाहर से आने वाला? रिंग तो हम लोग बाहर से आने वालों को तो रिंग डाला होता भाई, रिंग तो हम लोग खुद डालते हैं, हम रिंग डाल के दे देंगे। अच्छा, और आप रिंग डाल के बाहर का बना के बेचते हैं आप लोग? यहाँ तकरीबन रिंग खुद ही डालते हैं, किस चीज में रिंग होता है। अच्छा, ये बताएं कि इसके साथ फीमेल है या फिर सिंगल ही है? ये खुद फीमेल है, सिंगल है, बस सिंगल है। फीमेल है ये, मेल नहीं है इसका? नहीं, मेल होता तो फिर ये जोड़ा 60,000 रुपये का। जो इसका शौक रखते हैं उनको इसका रेट का भी पता होता है, इतना महंगा परिंदे का जो शौक रखता है। अच्छा, यानी आपका शौक खत्म होगा तो आपने एक ही पीस रखा हुआ? बस ये एक ही बचा हुआ है, जोड़ा था, एक मेल हमने किसी को दे दिया इसका, ये फीमेल हमारे पास रखी हुई है, ये भी कोई आ जाएगा शौकीन होगा तो वो ले जाएगा। ठीक है जी। जी जनाब, टर्की के बारे में बताएं। ये टर्की का मेल है, एक सिर्फ एक ही मेल है एक, ये वैसे तो 3-4 मेल है मेरे पास वाइट कलर में, ये इसकी फीमेल है मेरे पास ब्लैक कलर में, वो रखी हुई है सामने, एक वाइट कलर की एक ब्लैक की फीमेल है। अगर वाइट की फीमेल कोई बोलेगा तो वो भी हम मंगा के उसको दे देंगे जोड़ा बना। अच्छा, ये बताएं जोड़े के क्या प्राइस मांगा? जोड़ा ये पड़ेगा 12,000 रुपये का, पूरा वाइट का, और वाइट का 12,000 रुपये। ब्लैक फीमेल के साथ कोई लेगा तो 10,000 रुपये का। अच्छा, फुल बड़े मैच्योर एगलिंग कर रहे हैं जी? अभी तो ये अकेला मेल है, कहाँ से करेगा एगलिंग? वैसे तो माशाल्लाह फीमेल देने की देर है, खुद ही ब्रीड करना शुरू करते कुछ। अच्छा, इसके अलावा मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपने मुख्तलिफ मोर रखे हैं इसके अंदर, ये यकीनन सस्ते वाले होंगे, इनकी कीमत बताएं। ये बहुत मुख्तलिफ आपने कॉलोनी में रखे हैं? ये बहुत सस्ते हैं भाई। क्या कीमत है इनकी? ये 15,000 रुपये जोड़ा। कौन कौन से इनके अंदर और प्राइस बताएं? इसमें ब्लू और ब्लू शोल्डर और ब्लैक शोल्डर जो है वो 15,000 का जोड़ा है, और वाइट तो वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले बताया, और इसमें ये ज़रा मुख्तलिफ है, वाइट कलर है, ये ज़रा से महंगे, ये 25,000 रुपये का जोड़ा है। अच्छा, ये सारे पट्टे हैं अभी? ये पट्टे हैं, इसके अंदर एक बड़ा भी है, वो पीछे कलर जिसका, एक मिनट मैं दिखाता हूँ जी, बड़ा हो रहा है ये अभी तकरीबन, इन सब में ये बड़ा पीस है। अच्छा, ये भी उसी रेट में मिलेगा लेकिन? अच्छा, ये बताएं कि ये कब तक तैयार हो जाएंगे एगलिंग के लिए? ये तकरीबन 6 से 8 महीने इनको लगेंगे, 2 साल के लगभग इनकी उम्र है, ये 2.5 साल का होता है पूरा, तो ये समझो फिर ब्रीड के लिए तैयार होता है, 2.5 साल इसका एक टाइम पीरियड है ब्रीडिंग का। सही है जी भाई, इनके बारे में बताएं। ये रेड आइज इंग्लिश अंगोरा है, ये रेड आइज इंग्लिश अंगोरा जी। अच्छा। ये बड़ा जोड़ा है, ये मेल फीमेल है, 12,000 रुपये का। 12,000 रुपये फुल बड़े हैं? फुल बड़े हैं। ब्रीड करिए इन्होंने? ब्रीड तो पता नहीं, किसी के घर पे आए थे तो उस बंदे ने तो हमें बोला ब्रीड करिए हमारे पास, तो अब हमारे पास तो अभी 2 दिन हुए हैं आए। अच्छा, ये बताएं फाइनल कितने तक में देंगे? फाइनल 10,000 रुपये का। जी जनाब, इन खरगोशों के बारे में बताएं, कॉमन जो? ये तो हमारे सादे आम पाकिस्तानी खरगोश हैं, बेचारे मासूम से, गरीब से, ये 1500 रुपये का जोड़ा है। 1500 रुपये का जोड़ा है? हाँ। फुल बड़े हैं? ये बड़े भी हैं, इसमें बच्चे भी हमारे पास, ये पहले सस्ते होते थे, अभी ज़रा मौसम सर्दी का आ गया ना, तो जो चाइनीज़ लोग आए हुए हैं पाकिस्तान में, वो लोग ये ज़िबा करते हैं, खाते हैं, तो उन लोगों की वजह से इसकी थोड़ी डिमांड बढ़ गई है, वरना तो ये 700-800 रुपये का जोड़ा होता था। ठीक है। अच्छा, ये बताएं खाकी बत्तख जो है क्या प्राइस है? ये जोड़ा है 4,000 रुपये का खाकी का। 4,000 रुपये का जोड़ा है, और फाइनल कितने तक में देंगे? फाइनल 3500 रुपये का दे देंगे। फुल बड़े हैं? ये फुल बड़ा जोड़ा है, लेकिन अंडे नहीं दिए हमारे पास इसने भी। जी जनाब, इनके बारे में बताएं कौन सी बत्तख है? ये वही काली बत्तख है जो मैं पहले बता रहा था, आपने बोला है काली बत्तख कोई मांगे तो कहाँ से दोगे, तो ये मस्कबी डग है, इसमें इसको बोलते हैं काली बत्तख। अच्छा, क्या प्राइस है इनकी? ये जोड़ा 6,000 रुपये का होता है, मेल फीमेल 6,000 रुपये का जोड़ा है। फुल बड़े हैं, एगलिंग कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। जी जनाब, फिजेंट के बारे में बताएं। ये सिल्वर फिजेंट है। अच्छा, क्या प्राइस है इसकी? ये जोड़ा मिलेगा 25,000 रुपये का। 25,000 रुपये का जोड़ा है जी, जोड़ा बड़ा है, फुल बड़ा जोड़ा, अंडे अंडे देने वाली फीमेल इसके साथ में दूंगा, इसकी फीमेल शादी होती है ब्राउन कलर में। जी जनाब, ये गोल्डन फीजेंट के बारे में बताएं। जी, ये रेड गोल्डन फीजेंट है, ये मेल है, 4 मेल है मेरे पास। 4 मेल आपके पास, क्या डिमांड है? ये जोड़ा 30,000 रुपये का है, खाली मेल है ये 20,000 रुपये का। 20,000 रुपये खाली मेल है जी, कुछ कमी पेशी होगी इसमें? ये 18,000 रुपये फाइनल होंगे। अच्छा, इसकी फीमेल नहीं मिलेगा, किसी को जोड़ा चाहिए तो? जोड़ा चाहिए तो फीमेल दे देंगे, फीमेल तो शादी होती है इसकी, ब्राउन कलर में ही होती है। जी जनाब, ऑस्ट्रेलियन पैरेट के बारे में बताएं। ये तो हमारे आम जो हर जगह घरों में लोग पालते हैं वो तोते हैं, ऑस्ट्रेलियन बजरी। ठीक है, इनकी प्राइस बताएं? 700 रुपये का जोड़ा है। 700 रुपये की जोड़ी है। हाँ।
अच्छा, फिंचेस के बारे में बताएं। फिंचेस के बारे में, फिंचेस 1000 रुपये का जोड़ा, 800 रुपये का जोड़ा चल रहा है। अच्छा, इसके बारे में फिशर? ये फिशर है, 3000 रुपये का जोड़ा है। 3000 रुपये की जोड़ी फिशर की? जी जी। कॉकटेल के बारे में बताएं। कॉकटेल ये 3500 रुपये की जोड़ी है। ये ग्रे कॉकटेल है, 3500 रुपये की जोड़ी। ग्रे कॉकटेल 3500 की है, इसमें क्रीम वाला 5000 रुपये की जोड़ी होती है। अलग अलग कलर होते हैं, मुख्तलिफ रेट होते हैं। अच्छा, इसके अलावा डफ? डफ 1200 रुपये की जोड़ी है, 1000 रुपये की फाइनल देते हैं। जी जनाब, फैंसी पिजन के बारे में बताएं। जी ये ब्लैक टेल लगा है, ये जोड़ा है 4000 रुपये का। 4000 रुपये की जोड़ी है, ब्लैक टेल लगा। जी ब्लैक टेल लगा है। फुल ब्रीडर हैं? जी ब्रीडर पेयर है। जी जनाब, इनके बारे में बताएं। ये ब्लैक लगा है। क्या प्राइस है? ये 4000 रुपये का जोड़ा है, ब्रीडर पेयर है, ये फुल बड़ा जोड़ा है। ये भी 4000 रुपये का जोड़ा है, फुल बड़ा पेयर है। जी जी जनाब, ये डफ के बारे में बताएं। ये फाख्ता है कुमरी, जो अल्लाऊ अल्लाऊ पड़ती है। ठीक है, क्या प्राइस है इनकी? ये 1000 रुपये का जोड़ा है। 1000 रुपये की जोड़ी है। जी ब्रीडर है सारे? जी जी ब्रीडर है, मेल फीमेल रखो। ये तो वैसे 12 महीने ब्रीड करने वाले परिंदे। जी जनाब, कॉमन फिजेंट के बारे में बताएं। ये रिगनेक फिजेंट है हमारे पाकिस्तानी, ये जोड़ा है 12000 रुपये का। 12000 रुपये की जोड़ी है। जी ये जोड़ा होता है, ये दोनों मेल हैं, इसकी फीमेल भी ब्राउन होती है। फीमेल सबकी तकरीबन एक जैसे ही कलर की होती है। अच्छा, जो आप 12000 रुपये की जोड़ी बता रहे हैं, फुल बड़े हैं या फिर ये पट्टे हैं? फुल बड़ा जोड़ा 12000 रुपये का। अच्छा, क्या कमी पेशी होगी इसमें? ये 10000 रुपये का फाइनल हो जाएगा। जी जनाब, गिनी फॉल के बारे में बताएं। ये हमारे पास एक पेयर सिल्वर में है और एक वाइट में, दो जोड़े हैं। ये एक सिल्वर गिनी फॉल है और एक वाइट है। ये जोड़ा 4000 रुपये का। इसमें जो ब्लैक होता है वो सस्ता होता है, 2000-2500 रुपये का जोड़ा होता है। ब्लैक इस वक्त मौजूद नहीं है यहाँ। जी जनाब, ये वाइट बफ के बारे में बताएं। ये वाइट बफ का बड़ा पेयर है हमारे पास। अच्छा, क्या प्राइस है इसकी? ये 10000 रुपये का। 10000 रुपये का। एगलिंग कर रही है ये? अभी हमारे पास तो नहीं किया इसने, लेकिन बड़ा पेयर है, करना चाहिए। एगलिंग का टाइम तो इनका हो गया पूरा। क्या कमी पेशी होगी इसमें? ये 8000 रुपये का फाइनल हो जाएगा। जी जनाब, बटेर के बारे में बताएं। ये बफ बटेर है जोड़ा, ये आपको पड़ेगा 5000 रुपये का, बफ बटेर का जोड़ा। अच्छा, क्या प्राइस है? 5000 रुपये का जोड़ा। क्या कमी पेशी करेंगे इसमें? ये 4000 रुपये का फाइनल हो जाएगा। चलें जनाब, अपनी शॉप का नाम बता दें, अपना नाम बता दें, कॉन्टेक्ट नंबर बता दें। मेरा नाम आरिफ है, शॉप का नाम है बादशाह खान बर्ड सेंटर और मोबाइल नंबर है 0336382478। अच्छा, व्यूवर्स कॉन्टेक्ट करें, कमी पेशी करेगा, रियायत करेगा? जी बिल्कुल करेंगे, जितना बताए वो बता कर ही दिएगा, गलत चीज़ नहीं दिएगा। बिल्कुल इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। तो व्यूवर्स, एक शॉप को हमने कवर कर लिया, आइए दूसरी शॉप की तरफ मूव करते हैं। आइए हमारे साथ आइए। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कौन कौन से बर्ड्स हैं। आज तो हमें शिकरे और मैना वगैरह नज़र आ रही हैं यहाँ पे, और इसके अलावा चूज़े भी नज़र आ रहे हैं, कैट में वैरायटीज़ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा देख सकते हैं खरगोश के बच्चे भी हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे कवरेज करने के लिए आए थे और हमें पता ही चला कि यहाँ के जो शॉपकीपर हैं कोयटा गए हैं, तो लिहाजा ये शॉप हम कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए सेकंड शॉप की तरफ मूव करते हैं, चलते हैं। आइए हमारे साथ आइए। तो व्यूअर्स, ये था एक्जॉटिक बर्ड्स मार्केट का विजिट जो आप लोगों को करवाया आज। यहाँ पे मुख्तलिफ बर्ड्स से हमने डिफरेंट हैं ना, उसमें वैरायटी देखी, इसके अलावा छोटे बर्ड भी देखे। उम्मीद करता हूँ कि आज बर्ड्स की प्राइस से आप लोग अपडेट हो गए होंगे। इंशाल्लाह दोबारा आएंगे, आप लोग को अपडेट करते रहेंगे। जब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।